हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बारे में। आज एक हमारे पास पार्ट है, ये 10 mm की ट्यूब का पार्ट है और ये बेंडिंग पार्ट है। इसकी हमारे पास में जो स्क्रीन आपको साइड में दिख रही है उसमें इसकी 3D ड्राइंग भी है। तो अब आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से किसी भी पार्ट की जो है वो कॉस्टिंग निकाली जाती है, और हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक चीज को डिटेल में बात करें कि मेटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, प्रोसेस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये एक 3D पार्ट है जो आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है, और ये फिजिकली भी मेरे पास में पार्ट सेम पार्ट है। तो अब हम इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते हैं तो 3D के साथ साथ हमारे पास 2D ड्राइंग भी होना चाहिए। हाँ, 3D ड्राइंग क्यों होनी चाहिए कि जब हम डेवलपमेंट करेंगे यानी टूल बनाएंगे उसके लिए हमें 3D ड्राइंग लगेगी। और 2D ड्राइंग क्यों होनी चाहिए, देखिए जैसे कि ये 2D ड्राइंग हमारे पास है। 2D ड्राइंग इसलिए हमारे पास होनी चाहिए कि हम मेटेरियल वेट, जैसे अगर आप इसमें देखेंगे कि मेटेरियल का ग्रेड क्या है, क्या थिकनेस है, क्या क्या डायमेंशन कंट्रोल करनी है हमें। देखो 3D जो ड्राइंग होती है उसमें टॉलरेंस नहीं होती है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें, इवन ये भी ओपन ही टॉलरेंस है मैक्सिमम, इसमें इसमें कुछ भी क्लोज नहीं है, लेकिन फिर भी 2D ड्राइंग की क्या क्यों जरूरत होती है। इसमें हमें मेटेरियल का पता है, देखो ये ट्यूब है, मेटेरियल क्या है, ओडी है 10 mm और थिकनेस है 1.6, और ये SS 400 का मेटेरियल है। तो ये अब हमारे पास एक पार्ट है, तो हमें इसकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग निकालनी है। तो हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग कि एक सीट पे हम जाएंगे। देखिए जो ये सीट है, ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग की सीट है। तो इसमें जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहां तक ये हमारा RM कैलकुलेशन का है कि हम किस तरह से RM का कैलकुलेशन करते हैं। हमने क्या किया है, जो हमारा कस्टमर से यानी जहां सप्लायर से हमारे पास जो साइज आएगा वो 3 मीटर की लेंथ में आएगा जैसा आप देख पा रहे होंगे, और जो थिकनेस हमें मिलेगी 1.5 की मिलेगी। तो ओडी 1.5, थिकनेस 1.5, ओडी 10 mm, थिकनेस 1.5 और लेंथ 300 mm, 3000 mm यानी 3 मीटर। और हमने अपने पार्ट का जो हमारे पास पार्ट था उसका हमने ब्लैंक साइज डेवलप कर लिया है, तो उसका ब्लैंक साइज डेवलप आया है 305 mm। तो हमारा साइज क्या हो गया है, ओडी 10 mm, थिकनेस 1.5 और 305 mm की हमारे पास लेंथ हो गई है। तो इसमें कितने पार्ट निकलेंगे, हमने कैलकुलेट किया 9 पार्ट। तो आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर इसे क्यों ना थोड़ा सा बढ़ा लें और 10 पार्ट लें, वैसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम 1 पार्ट इसलिए माइनस ले रहे हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक है कि जब भी हम कस्टमर से पाइप मंगाएंगे उसका जो टॉलरेंस है वो 10 mm प्लस माइनस है, जो हमें हमारे सप्लायर ने बताया है। तो ये रीजन भी है कि हमें 1 पार्ट हमेशा माइनस में लेना पड़ता है। तो अब हमने क्या किया कि एक सीट में कितने 9 पार्ट निकलेंगे, और जो हमारे पास ट्यूब आएगी यानी इसका जो एफजी वेट होगा वो 10 ग्राम होगा। इनपुट वेट भी कितना होगा, क्योंकि इसमें स्क्रैप ना के बराबर होगा, सिर्फ पार्टिंग होगी, तो हमने 10 ग्राम ही, मतलब इनपुट वेट हमारा 10 ग्राम आ गया, एफजी वेट भी 10 ग्राम है। तो आई मीन क्योंकि ये पॉइंट की सेकंड डिजिट है, तो थर्ड डिजिट में कुछ और होगा, थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा क्योंकि हमारा कॉस्ट आ रहा है स्क्रैप कॉस्ट। तो इनपुट आरएम कॉस्ट कितना हो जाएगा, आरएम कॉस्ट, तो जो लैंडेड आरएम का कॉस्ट है हमारा 245 रुपए केजी हमें मिल रहा है, और हमारा जो वेट है, जो हमारा इनपुट वेट है वो 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा है, तो हमने इंटू कर लिया हमारा 25.67 रुपए हमारा इनपुट आरएम कॉस्ट आ गया है। अब इसमें से हम स्क्रैप की कॉस्ट निकाल देंगे, जो स्क्रैप कॉस्ट हमारा 14 पैसा आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि हमें यहाँ इनपुट और एफजी सेम सेम दिख रहा है, तो डिजिट में थोड़ा सा थर्ड डिजिट में जाके अंतर होगा, तो हमारा 10 पैसे से भी कम का स्क्रैप निकलेगा। तो जो हमारा नेट आरएम कॉस्ट आ गया है वो 25 पैसे आ गया है। देखिए ये पाइप का पार्ट है, इसी तरह से अगर सीट मेटल का भी पार्ट है, कोई सीट है तो उसमें ये सीट आ जाती है। ये बेसिक है कि इसी तरह से हम कोई भी जब हम पार्ट की कैलकुलेशन करते हैं इसी तरीके से करते हैं। अब आते हैं जो सेकंड पार्ट है, जो मेजर होता है वो होता है प्रोसेस कॉस्ट, कि हमें प्रोसेस कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करनी है।
तो हम वही पार्ट लेते हैं, ये पार्ट मेरे पास भी है, तो हमने पहले ही कैलकुलेट मतलब लिख लिया कि क्या क्या इसमें ऑपरेशन होने वाले हैं। इसमें कटिंग होगा क्योंकि लेंथ लंबी आएगी, साइड में आपने अगर ड्रॉइंग ध्यान से देखा होगा तो फ्लेयरिंग है, फ्लेयरिंग होगा, और उसमें 6 बेंडिंग है अलग अलग फेस पे, वो अब हम कैसे स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं, कॉमन बेंडिंग कर सकते हैं। तो अभी इनिशियली हम 6 ही बेंडिंग ऑपरेशन लेके चल रहे हैं, वो हमारा 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, वो हमें मतलब वो VAV करके हम कर सकते हैं, और एक इंस्पेक्शन हो गया। ये हमने 4 इसमें प्रोसेस बनाए। तो जैसे हमने देखिए कब आप, ये भी एक सवाल वाली बात है, मतलब आपकी तरफ से मे भी आपके मन में सवाल आएगा कि जो कटिंग का मैंने 1.2 यानी 1.20 रुपया ही क्यों लिया, क्यों मैंने 2 रुपये नहीं लिया, क्यों मैंने 40 पैसा नहीं लिया। तो इस पे भी हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। ये क्या होता है कि हम मशीन आवर कॉस्ट निकालते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारा पार्ट है उसे कितना टाइम लगेगा कटने में, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट आती है, उसका इसमें मशीन का पूरा खर्चा होता है। इसके लिए हम कोई एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मशीन ZBC, तो उसमें हम एक पार्ट पकड़ के रखेंगे। ऐसे ही फ्लेयरिंग में हमने 1 रुपया लिया, बेंडिंग का हमने 70 पैसे लिया, और इंस्पेक्शन का हमने 30 पैसे लिया। ये इंस्पेक्शन का हमने 30 पैसे क्यों लिया, हमने डिसाइड किया कि भाई हमारा बंदा इतने पार्ट चेक कर पाएगा और उसकी कॉस्ट इतनी है, उसको डिवाइड कर दिया, तो उस तरह से हमने 30 पैसा लिया और ये सब जोड़ लिया, ये मल्टीप्लाई कर करके जोड़ लिया, तो टोटल जो प्रोसेस कॉस्ट आई वो हमारी कितनी आई, 7 रुपए 70 पैसे। अब हमारा RM और प्लस प्रोसेस दोनों कॉस्ट कितनी आ गई, 33 रुपए 23 पैसे। अब इन सबको बनाने के लिए एक मेजर चीज है जो हम भूल गए हैं, जब हम प्रोसेस करेंगे तो हमें डाई बनानी पड़ेगी, तो डाई का पैसा भी कस्टमर से लेना पड़ेगा, या तो कस्टमर डाई बना के दे दे, अगर हमें डाई बनानी है तो अमोर्टाइज करें या अलग से कॉस्ट दे दे। तो इस पार्ट के अंदर हमने कस्टमर ने वो जो कॉस्ट है हमें अमोर्टाइज करके दी है, यानी उसने 18,000 क्वांटिटी पे जो हमारा 32,500 रुपए जो टूलिंग में खर्चा आया उसको डिवाइड कर दिया, तो 1 रुपए 81 पैसे वो भी एड हो गया। फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग है, लोकल में 60 पैसे लेते हैं, फिर पैकिंग के लिए पॉलिथीन हम जो यूज करते हैं उसकी कॉस्ट, रिजेक्शन 1% ले लिया हमने, है ना, ओवरहेड ले लिया हमने 10%, और हमने अपना प्रॉफिट ले लिया 5%। तो इस तरीके से इस पार्ट की कॉस्ट 38 रुपए आ गई, और ये पार्ट हम अभी अपने कस्टमर को देते हैं। तो बेसिक सा तरीका है किसी भी पार्ट की कॉस्ट निकालने का, ये है वो पार्ट यानी जो हम किसी को दे रहे हैं। अगर हम इसको मार्केट में सप्लाई करते तो फिर अलग तरीका होता, इसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाती, हमारे ओवरहेड्स बढ़ जाते। तो बेसिकली ये आज का वीडियो था, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपका कुछ भी अगर क्वेरीज हैं इंजन अड्डा से लेके, तो आप प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।